टीम इंडिया की उम्मीदों पर होप ने फेरा पानी। कोहली की ऐतिहासिक पारी पर भारी शतकीय प्रहार। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच बुधवार को खेला गया दूसरा मुकाबला टाई हो गया। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे वनडे में टीम इंडिया द्वारा मिले 322 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज की तरफ से आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर शाई होप ने चौका जड़कर मैच को टाई कराया। इसी के साथ टीम इंडिया के दिल में इस मैच को जीतने की कसक रह गई। कप्तान विराट कोहली ने इस मैच में न सिर्फ 157 रन की नाबाद पारी खेली बल्कि सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। लेकिन कोहली की पूरी मेहनत पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कैरिबियाई खिलाड़ी शाई होप ने पानी फेर दिया। होप ने 134 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 123 रन की पारी खेलकर मैच टाई कराया। इतना ही नहीं, होप ने उमेश यादव के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर टीम इंडिया के हाथों से जीत छीन ली। होप के अलावा एक और बल्लेबाज शिमरोन हेटमेयर ने 64 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से 94 रन की तेज तरार पारी खेली।